गुड मॉर्निंग अद्वीक। क्या कर रहे हो? लूडो खेल रहे हो? अकेले अकेले कंप्यूटर के साथ? हाँ। अच्छा अच्छा, वो आपका फ्रेंड है कंप्यूटर? थोड़ा सा मारता है मुझे। थोड़ा थोड़ा सा मारता है? अभी इसको पीछे से मारता हूँ। कैसे, दिखाओ मुझे। कहाँ कहाँ सेफ जोन? कौन सा है? हाँ, हमें कोई मार नहीं सकता। अच्छा, और कुछ नहीं, हमारा एक पड़ गया तो हम जीत गए। हमारा एक पड़ गया तो हम जीत गए। क्या आदमी, क्या हमारा आया आ गया। अच्छी है, अच्छी है। आदमी की हिंदी एकदम बेस्ट है ना आदमी। ओ ओ ओ ओ, खेलो 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 बेटा। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आप हेयर स्टाइल ही कर रहे हो क्या कुछ। मेरी एक लास्ट बूटी है। कौन सी? ये वाली दोनों। अच्छा अच्छा, लास्ट बूटी दोनों है। चलो चलो खेलो बेटा आप। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल निर्मोम कांचन। और हाँ, अभी भी पूजा हुई है, मेरे सारे काम खत्म हो गया है। आज हेयर वॉश किया है मैंने, और जिस दिन ना हेयर वॉश करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब बालों को बार बार हाथ लगाने का मन करता है। यह बाल अभी थोड़े से वेट ही है तो सूख जाएंगे, इतना कुछ ये नहीं है। और हाँ, आज मैंने लिपस्टिक का डार्क शेड अप्लाई किया है। आप लोग बोलते थे ना थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई करना,
तो आज डार्क शेड अप्लाई किया है, तो देखो ये वाली जो है वो 9 to 5 लैक्मे की 9 to 5 है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये, इसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। ब्राउन शेड है, शेड का नाम चेरी चिक ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज खाने में बनाना। देखो बच्चे भगवान की प्लेट में खाना खा रहे है ना, ये अभी भगवान को भूख लगाया था ना मैंने, तो उसी प्लेट में दोनों भी खाना खा रहे। अद्विक पीला, अद्विक तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत ही हैंडसम लग रहा है चपटू। ये बाल लग रहा है चपटू, ये बाल अभी देखो कितना हैंडसम लग रहा है। चला वरण सोबत दे, तू भाजी सोबत खा। अरे 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 मुँह क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या अच्छा लगता है आपको बताओ अद्विक? अरे वाह, पिज्जा। मुझे लगा मीठा। पिज्जा अच्छा लगता है? ठीक है पापा को कॉल करूँ पिज्जा के लिए। किसके साथ? ये रोटियां हैं, उसके बाद ये आलू की सब्जी है रस्से वाली, और उसके बाद ये सिंपल सी सब्जी है इसी वजह से शेयर नहीं की। उसके बाद ये राइस और दाल तड़का, बस यहाँ पर दूध है उसमें। तो ये है आज खाने में। और हाँ अभी बनाने वाली हूँ मैं मट्ठा, तो उसके लिए ना मट्ठे के लिए जीरा पाउडर ख़त्म हो गया है, तो जीरा पाउडर अभी बना लेती हूँ। चलिए जीरा पाउडर बना लेती हूँ पहले, उसके बाद आपके साथ मट्ठे की रेसिपी शेयर करूँगी। किसी ने कमेंट किया था जिसे हम मट्ठा बोलते हैं उसे पंजाबी में लस्सी बोलते हैं, तो वही लस्सी बनाने वाली हूँ, कि काफ़ी लोगों ने मट्ठे की रेसिपी शेयर करने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा चलो इससे पहले भी बहुत बार शेयर कर दी है मैंने, बट न्यू ज्वाइन होते रहता है ना लोग, तो इसी वजह से वो नहीं पता होता है, तो इसी वजह से मैं शेयर कर देती हूँ आज भी मट्ठे की रेसिपी। ये देखो माही बना रही है कारपेंटर अंकल के लिए टैंग, है ना? ये आवाज कितनी जोर जोर से आ रही है, ये साइड की कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो उसकी आवाज है। चलो आप बना लो, मैं मैंगो वॉश कर लेती हूँ, मतलब ये सैनिटाइज कर लेती हूँ। ने हमारे लिए भी बनाया, मतलब मेरे लिए और उसके लिए भी बाद में बनाया, टेस्टी है। जीरा भून चुका है, अभी इसे पीसना है हमें। थोड़ा सा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे पीसेंगे।
ये पाउडर मैंने इसमें भर के रखा है, आप देख सकते हो ये पूरा जार भर गया है। और अब इसे ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी ताकि ये जो गर्म पाउडर है ना इसमें से गर्माहट निकल जाए और ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इसे एयरटाइट करके रख दूंगी। तो गाइज आजकल एक ही कमेंट आ रहा है कि आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हो, मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हो। एक्चुअली यार मुझे चैन बनवाना है, तो चैन बनवाने के लिए जाना ही नहीं हो रहा है। मतलब जाना क्या, शॉप्स ही बंद है, मतलब जो ज्वेलर्स होते हैं उन्होंने शॉप बंद करके रखे, क्या कर सकते हैं, कहाँ से मंगाएंगे। ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहती मैं, गोल्ड जैसी चीज ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहती, ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो इसी वजह से नहीं मंगा पा रही हूँ। और जो चैन है मेरे घर पे वो बहुत मोटी है, और जो भी गोल्ड है मेरा वो बैंक में है, लॉकर में, तो इसी वजह से वो नहीं पहनना चाहती मैं। एकदम पतली सी चेन बनवाना चाहती हूँ डेली यूज के लिए, और वो बनवाने के लिए मार्केट ओपन होना चाहिए। अभी मंगलसूत्र के बारे में बताती हूँ मैं मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे हैंड में मंगलसूत्र है। ये जो चैन आप देख रहे हो मैंने कल आपको दिखाई, ये हैंड मंगलसूत्र है, जिसे आप बोल रहे थे कि ये गोल्ड का है क्या, तो हाँ ये गोल्ड का है डियर। इसको जब मैंने बनवाया था ना तो उसका ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, इससे मुझे इन्होंने वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। और जो मुझे डिजाइन चाहिए थी वो उन्होंने डाल के, यहाँ पर एक झुमका हुआ करता था, वो झुमका अभी मायके में गई थी ना तो वो निकल गया था, तो अभी वो भी बनवाना है, मतलब लगाना है मुझे इसमें, तो वो भी लगाने के लिए जाना नहीं हो रहा है क्योंकि शॉप्स बंद है तो कहाँ जाएंगे। तो इसी वजह से मतलब ऐसे ही निकल गया था, किसी चीज में अटक गया था वो, और टूटने से अच्छा मैंने निकाल दिया था वो। मैंने सोचा चलो उसका तार वगैरह टूट जाएगा, बारीक तार होते हैं, तो इसी वजह से वो झुमका मैंने निकाल दिया था, तो वो मोटे तार में बनाना पड़ेगा अभी वो झुमका, और वो बाद में मैं लगवा दूंगी इसे, क्योंकि अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो झुमका भी बहुत ऐसे बड़ा है और बहुत सारा सोना उसमें लगा हुआ है, इसी वजह से वो मैंने निकाल दिया। तो इस तरह से ही ये मंगलसूत्र, आप देखो पास से इस तरह से ये मंगलसूत्र है। और डिज़ाइन कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया है आपको कि हैंड मंगलसूत्र पहनती हूँ मैं हाथों में, बट बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्योंकि वो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, तो इसी वजह से उनको नहीं पता है, उनको दिखता है कि यार ये मंगलसूत्र नहीं पहनती है। ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि यार नहीं मंगलसूत्र पहनना चाहिए, तो मैं हैंड में मंगलसूत्र पहनती हूँ। अभी इसी की फैशन चल रही है, अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप बनवा लीजिए, इस तरह से बहुत सुंदर दिखता है। और फिर चूड़िया वगैरह इतना कुछ पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ ना उसी टाइम चूड़िया वगैरह पहनती हूँ, अदरवाइज नहीं पहनती हूँ। मुझे ना एकदम सिंपल, कानों में कुछ नहीं पहनना, हाथों में कुछ नहीं पहनना, एकदम सिंपल रहना पसंद है। सिर्फ मुझे रिंग का शौक है, मतलब फिंगर रिंग का शौक है, थोड़ा वो शौक ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं। आप देखते होंगे कि डेली मैं कानों में भी कुछ नहीं पहनती हूँ, और है मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे हैं, क्या बोलते हैं, गोल्ड के, 3-4 होंगे गोल्ड के छोटे छोटे, बट मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे अजीब सा ही लगता है वो, तो इसी वजह से। और बाकी गले में भी नहीं पहनती हूँ, हाथों में भी नहीं पहनती हूँ, अपनी अपनी चॉइस होती है यार उसके बारे में, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है बार बार आपको बोलना कि हर किसी की चॉइस अलग होती है, मतलब हम लोग रोक टोक नहीं कर सकते, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की चॉइस अलग होती है, और जिसको जो पसंद है लाइफ में आए हो तो एंजॉय करो, और जो पसंद है आपको, जो पसंद है मतलब डर के मत रहो, आपको जो पसंद है वो करो। एक ही लाइफ मिलती है हमें, और अपने ड्रीम कंप्लीट करो, अपना जो भी है वो अपने मर्जी से करो, किसी के दबाव में मत आओ। ये नहीं बोल रही हूँ घर पे झगड़ा करके ये सारी चीज़ें करो, बट घर वालों ने भी समझना चाहिए कि यार इसकी लाइफ है, मतलब जैसे कि अभी मेरे घर वाले समझते हैं, मेरे हस्बैंड समझते हैं कि नहीं यार इसकी लाइफ है इसे जीने दो, जैसे खुद की लाइफ खुद जी रहे हैं वैसे इसकी लाइफ इसे जीने दो। हमें जो पसंद है हमें करना चाहिए, किसी के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए कि आप भी हमारी मर्जी से जियो करके, ये मेरी सोच है। हर किसी की अलग होती है, बट मेरा कैसा है कि मुझे अपने हिसाब से जीना अच्छा लगता है, मतलब जैसे मुझे जीना है वैसे। सिर्फ मैं तो हमेशा इनको भी बोलती हूँ, मैं हमेशा सबको भी बोलती हूँ कि अपना दिल साफ होना चाहिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में ये मत सोचो कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जलन मत रखो दिल में किसी के बारे में, बस दिल साफ रखो अपना, यही काफ़ी है। भगवान देख रहा है, सब कुछ भगवान देख रहा है, यही काफ़ी है सबके लिए। बट जो जैसा रहता है वैसा रहने दो उसे, मतलब किसी को साड़ी पहनना अच्छा लगता है उसे साड़ी पहनने दो, जिसको शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता है उसको शॉर्ट्स पहनने दो, अपनी लाइफ है अपनी मर्जी से जियो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे, ऐसे गलत वे से नहीं बोल रहे थे, बहुत लोगों ने गलत वे से भी बोला, बट बहुत लोगों ने अच्छे से भी बोला,
मुझे बाल खुले छोड़ के पसंद है, मतलब इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि बचपन से ऐसी ही रही हूँ मैं, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आए हैं इसमें, बाल खुले ही रखती हूँ। अभी तो मेरे बाल बढ़ गए हैं, वरना मेरे बाल इतने से हुआ करते थे, एकदम छोटे से। मेरी शादी में भी बहुत छोटे थे मेरे बाल और मैंने एक्सटेंशन भी नहीं लगवाए थे उस टाइम, इतना समझ में भी नहीं आता था और कुछ भी नहीं, तो मैंने वो भी नहीं कराए थे। तो इसीलिए बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, यही क्लियर करना चाहती थी कि मैं मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती, क्योंकि हाथ में मंगलसूत्र है मेरे, हैंड मंगलसूत्र पहनती हूँ मैं। चलो बनाते हैं मट्ठा। तो मट्ठे के लिए क्या क्या चाहिए वो दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें जितना दही ऐड करना है उतना दही ऐड कर देना, मतलब जितना दही आपको चाहिए उतना। इसमें आपको जितना मीठा चाहिए उतनी चीनी ऐड कर देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा नमक आपको इसमें ऐड कर देना है, सादा नमक। उसके बाद आपको थोड़ा सा काला नमक उसमें ऐड कर देना है, काला नमक से टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये देखिए। उसके बाद जो हमने जीरा पाउडर बना के रखा था वो भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देना है। बस इसे मिक्सी में चला लेना है। मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है इसी वजह से मैं मिक्सी में चला रही हूँ, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हो। मुझे जल्दी से लेना है, मेरा पुराना वाला खराब हो गया है तो इसी वजह से मुझे जल्दी से लेना है हैंड ब्लेंडर। तो मट्ठा रेडी है हमारा, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी। कंसिस्टेंसी जैसे आपको चाहिए वैसे आप रख सकते हो, थोड़ा सा पतला मुझे पसंद है इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें, क्योंकि दही ज्यादा गाढ़ा था इसीलिए। उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करूंगी उसमें, जो कि है ये बूंदी। तो ये खारी बूंदी रेडीमेड मिलती है आपको, इसका पैकेट ही मिलता है, तो ये आप ऐड कर सकते हो, इससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बस इसमें ऐड कर दो और थोड़ा सा आपको धनिया पत्ता ऊपर से ऐड कर देना है। खाना खा लेते हैं, मट्ठा तो बन गया है अपना। और मट्ठे की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना मुझे। लाइट जिगजैग क्यों हो रहा है, देखो है क्या हो रहा है। खाना नहीं खाना है क्या आपको? हाँ। खाना है ना सबके साथ मिलके? ये मकड़ी गाड़ी है, मकड़ी गाड़ी थोड़ी सी ऐसी है, पर ये थोड़ी जाम हो जाती है, देखो। हाँ, अभी उसको क्या करना है फिर? अब ऑयल डालना। अच्छा अच्छा ठीक है, पर उसका नाम मुझे मालूम नहीं, ऑयल ठीक है, ऑयल ही है, ऑयल हम जो अपने गाड़ी में डाल दे। हाँ, कार नहीं, बाइक में, ठीक है। भाई देखो बॉटल भर के रख रही है। चलिए गाइस सब कुछ काम खत्म हो गया है, इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव योर, बाय।